आज 24 मार्च 2021 को सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं सामने एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है संत गरीबदास जी महाराज के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में 23 से 25 मार्च 2021 अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ। तो ये जो अखंड पाठ चल रहा है यहाँ पर कल से स्टार्ट हुआ था, इसका पाठ प्रकाश कल किया गया था। हम अभी यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर काफ़ी लोगों की आवाजाही लगी हुई है। ये मेन गेट है, इसके पीछे मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार कैमरे को घुमाकर और दिखाएंगे। यहाँ पर पीछे पार्किंग है जहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप देख सकते हैं पार्किंग में पीछे बसेस भी हैं और यहाँ एक टेंट लगा है जहाँ पर इस पार्किंग के सेवादार लगे बैठे हैं जो कि इस पार्किंग की व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं। यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ऑटोज़ खड़े हैं, बसेस खड़ी हैं और आप देख सकते हैं ये कम से कम भी 3-4 एकड़ की पार्किंग है ताकि जो आने वाले लोग हैं, आगंतुक हैं, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश से लोग आ रहे हैं, हरियाणा से लोग आ रहे हैं और भी अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, उनको गाड़ी खड़ी करने में कोई परेशानी ना हो, उसके लिए ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। तो ये सारी 4-5 एकड़ में व्यवस्था पार्किंग की गई है। ये बताइए कि जो ये 3 दिन का बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है ये किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? ये संत गरीबदास जी के बौद्ध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संत गरीबदास जी का बौद्ध दिवस है। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन गरीबदास जी को छुड़ानी के खेतों में परमात्मा मिले थे और परमात्मा ने उनको अपना ज्ञान सुनाया था। आप किस परमात्मा के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से परमात्मा मिले? हाँ, परमात्मा तो एक ही हैं जिनका नाम है कबीर साहेब। कबीर साहेब उनको खेतों में जिंदा रूप, जिंदा साधु के रूप में मिले थे, क्योंकि परमात्मा 3 रूप में आम तौर पर रहते हैं। जिंदा रूप, जिंदा साधु के रूप में जो ऊपर लंबा चोटा होता है पहने हुए होते हैं, नीचे घुटनों तक का एक गाउन जैसा वस्त्र होता है और एक जो है शिशु रूप में आते हैं समय समय पर प्रत्येक युग में, और एक सतलोक में अपने असली रूप में वहाँ बैठे रहते हैं। तो आपने बताया बलवान दास जी कि यहाँ पर जब कबीर साहेब संत गरीबदास जी को मिले उसके उपलक्ष्य में ये बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है, तो इस बौद्ध दिवस पर आपकी क्या क्या व्यवस्थाएँ आप कर रहे हैं? देखो, जैसे आप देख रहे हो यहाँ भंडारे का कार्यक्रम है, 3 दिन तक भंडारा चलेगा। इसमें गरीबदास जी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ जिसको हम सदग्रंथ साहिब बोलते हैं उनके 3 दिन तक वाणी चलेगी। इसमें भंडारे की व्यवस्था है, जैसे कई स्टेट आएंगे यहाँ पर, जैसे नेपाल देश आएगा, एक नेपाल देश के सभी भक्ति आएंगे, बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, MP, ये सब भक्ति आएंगे, हरियाणा के 10 जिलों के भक्ति आएंगे। बारी बारी के समय निश्चित किया गया है, दिन निश्चित किए गए हैं, अपने निश्चित दिन पर ही आएंगे। आप सामने देख रहे हो पार्किंग की व्यवस्था है, कितनी ही गाड़ियाँ आएँ कुछ भी हो ये सब यहाँ व्यवस्था है। उसके बाद हमारा एक और व्यवस्था विशेष है कि यहाँ किसी भी भक्त को आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा से ज़्यादा हम रुकने नहीं देते, क्योंकि सरकार का नियम है लॉकडाउन के कारण यानी COVID-19 के कारण यहाँ ज़्यादा भक्तों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। सभी को मास्क पहनने की विशेष उनको आदेश हैं, गुरुजी का ही आदेश है कि प्रशासन के किसी भी आदेश की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। प्रशासन के आदेशानुसार हम यहाँ सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। भंडारे का प्रोग्राम है, पाठ पढ़ा जाएगा, अंदर मिठाई बन रही है, बूंदी का प्रसाद बांटा जाएगा, हलवे का प्रसाद बांटा जाएगा। बाकी भक्तों के कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो इनको यहाँ रहना पड़ेगा, उनकी व्यवस्था है रहने सहने की, बिस्तरों का प्रबंध है उनका, सबका रजाई बिस्तर जो भी हैं सबके लिए बना हुआ है, और सफाई की विशेष व्यवस्था है, गर्म पानी दे रखे हैं नहाने के लिए, जो भक्त यहाँ रुकते हैं उनको गर्म पानी देते हैं नहाने के लिए, ठंडे में नहाए तो उनकी मर्जी है, ये सारी व्यवस्थाएँ हैं। तो ये हम सतलोक आश्रम भिवानी के मेन गेट पर खड़े हैं और यहाँ पर कुछ सेवादार खड़े हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो यहाँ किस लिए आए हैं, कब आए हैं और क्या कर रहे हैं। नमस्कार जी। सतसाहिब जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजेश शिवानी है सर। तो राजेश शिवानी जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 23 से 25 गरीबदास जी महाराज की वाणी का बौद्ध दिवस था आज, इसलिए हिसार डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पार्किंग में सेवा लगी हुई थी। सभी भक्त, हम आप देख सकते हो पार्किंग में सुचारू रूप से हम सेवा कर रहे हैं, सभी हिसार डिस्ट्रिक्ट के भक्त।
तो ये राजेश शिवानी जी थे, इन्होंने बताया कि ये पार्किंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर हिसार डिस्ट्रिक्ट के भगत जो हैं वो सेवा कर रहे हैं। चलिए अब इसके बाद हम अंदर चलेंगे और आपको अंदर की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देंगे। ये अब हम मेन गेट से अंदर आ चुके हैं और अंदर घुसते ही जो आप देख रहे हैं सामने, ये एक जूता घर है। इसमें जूतों को रखने की व्यवस्था की गई है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके जूते चप्पलें यहाँ पर जमा होती हैं। जमा होने के बाद उनको एक टोकन दिया जाता है और बाहर जाते समय वापस जाते समय वो अपने जूतों को ले सकते हैं, और ताकि कोई किसी तरह की कोई गुम ना हो जूता, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए ये जूता घर बनाया गया है। उसके बाद मैं कैमरामैन को कहूँगा अपने कैमरे को घुमाएं और पीछे जो है ये दिखाएंगे। यहाँ पर दो बाल्टियाँ रखी हुई हैं, ये जो दो बाल्टियाँ हैं इसमें प्रसाद रखा गया है, जो कि घर जाते समय जो यहाँ भगत आए हुए हैं उनको प्रसाद दिया जाता है। ये मखाने का प्रसाद है जो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से प्रसाद बनाया गया है। इस अमृत जल को भी जो घर जाने वाले लोग हैं उनको दिया जाता है। उसके बाद आप पीछे देखेंगे तो एक यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है नामदान स्थल। इस नामदान स्थल का मतलब है कि जो भी लोग नए लोग यहाँ पर आते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान या सत्संग सुनकर या पुस्तकें पढ़कर जो लोग यहाँ पहली बार आते हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहें, तो उनके लिए ये नामदान स्थल बनाया गया है। अब ये जो नामदान स्थल के पास ही यहाँ पर दो बड़े बड़े पतीले रखे गए हैं, इनमें आप देख सकते हैं बूंदी के प्रसाद के पैकेट रखे हुए हैं। ये जो बूंदी के प्रसाद का पैकेट है, ये पैकेट जो घर जा रहे हैं लोग, यहाँ पर जो भगत आए हुए हैं वो जब घर जाते हैं तो उनको घर जाते समय ये घर ले जाने के लिए दिया जा रहा है। यहाँ पर 3 दिन बूंदी का प्रसाद वितरित हो रहा है, साथ ही साथ जो लोग घर जा रहे हैं उनको भी घर जाते समय ये दिया जा रहा है, ताकि जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं या कुछ रिश्तेदारों को दोस्तों को ये बूंदी का प्रसाद खिलाना चाहें तो ये अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इसमें जो है भोजन प्रसाद की पैकिंग रखी गई है, ये भोजन पैकिंग भी घर जाते समय ही संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो भगत यहाँ पर आएंगे 3 दिन उनको दी जाती है, ताकि वो रास्ते में खाना खा सकें, उनको किसी तरह की रास्ते में भी कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए ये खाना दिया जाता है। अब हम पहुँच चुके हैं भंडार घर में, जहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की जा रही है, भंडारा बनाया जा रहा है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे ये जो मशीन रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं इसमें आटा गुनने की मशीन है। यहाँ पर बहुत एक मात्रा में आटा गुना जाता है, इसलिए इस आटे बनाने की गुनने की भी मशीन रखी गई है। उसके बाद ये साथ में जो एक बहुत बड़ी मशीन दिख रही है, ये रोटियां बनाने की मशीन है। इसमें हजारों रोटियां 1 घंटे में बनाई जाती हैं, और क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस मशीन का यूज़ किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ माताएं बहनें आपको बैठी हुई दिखेंगी। ये जो माताएं बहनें हैं देसी घी से रोटियों को जो है चौपड़ रही हैं, देसी घी रोटियों पर लगा रही हैं, और साथ ही साथ दूसरी तरफ देखेंगे तो कुछ सब्जियाँ काटती हुई बहनें दिखेंगी और कुछ सलाद काटती हुई बहनें भी दिखेंगी। यहाँ पर आप देखेंगे एक तरफ बड़े बड़े कढ़ाए दिखेंगे, कैमरामैन को कहूँगा बड़े बड़े कढ़ाए दिखाएंगे, बड़े बड़े पतीले जो रखे हुए हैं, इन कढ़ाइयों में जो हलवा प्रसाद तैयार किया जाता है उस हलवा प्रसाद को तैयार इन कढ़ाइयों में किया जाता है। शुद्ध देसी घी का ये हलवा प्रसाद होता है, साथ ही साथ सब्जी जो तैयार की जाती है वो भी इन्हीं कढ़ाइयों में तैयार की जाती है, और इन सभी पकवानों को बनाने के लिए गर्म पानी का यूज़ होता है, वो भी इन्हीं पतीलों में गर्म किया जाता है। तो ये सब भंडारे की व्यवस्था है। भंडारे के बाद अब हम एक कक्ष में पहुंचे हैं जहां पर बूंदी प्रसाद तैयार किया जा रहा है। ये बूंदी प्रसाद शुद्ध देसी घी में तैयार किया जा रहा है, और गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में ये बूंदी का प्रसाद तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर पिछले 3 दिनों से लगातार बूंदी प्रसाद जो है बनता जा रहा है और इसको लगातार बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसका प्रोसेस क्या है। यहाँ पर बूंदियों को चाशनी में भिगोया जाता है बूंदियाँ बनाने के बाद। उसके बाद एक कक्ष में हम आपको लेकर चलेंगे जहाँ पर इन बूंदियों को सुखाया जाता है। अब ये एक कक्ष है जहाँ पर बूंदियों को सुखाया जा रहा है, इन बड़े बड़े पतीलों में इनको सुखाया जा रहा है। आप देखिए ये पूरा एक कक्ष बनाया गया है, इसमें बूंदियों को सुखाया जाता है। इसके साथ ही एक और अलग कक्ष है, यहाँ से सुखाने के बाद उसको वहाँ पर स्टोरेज किया जा रहा है। जो बूंदी का कक्ष हमने आपको दिखाया था जिसमें सुखाया जा रहा था, उसके बाद इन बूंदियों को इस जगह पर स्टोरेज किया जा रहा है। यहाँ पर स्टोरेज कर रहे हैं 3 दिन से लगातार, पूरी तरह से भरी हुई मात्रा में इनको स्टोर किया जा रहा है। लगातार 3 दिन से आने वाले हर एक इंसान को ये शुद्ध देसी घी की बूंदी का प्रसाद दिया जा रहा है, और साथ ही साथ जैसा कि हमने मेन गेट पे भी दिखाया था बूंदी के पैकेट तैयार किए गए हैं प्रसाद के, वो लोगों को दिए जा रहे हैं, और ये यहाँ पर पैकेट बनाए जा रहे हैं। आप देखिए कितनी मात्रा में यहाँ पैकेट तैयार हैं, हर किसी को कितने भी पैकेट लेकर जाने के लिए दिए जा रहे हैं।
ये जो बूंदी प्रसाद तैयार किया जा रहा है उसके लिए यहाँ पर सामग्री को रखा गया है जिसके यूज़ के बाद बूंदी प्रसाद तैयार होता है। ये बेसन है शुद्ध देसी घी के, आप देख सकते हैं कितने टीन सामने रखे हुए हैं। ये जो सेवादार हैं ये इस बूंदी के प्रसाद को तैयार करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, ये लगे हुए हैं। ये बेसन देखिए तैयार हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं। सबसे मेन बात जो है यहाँ पर सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं कहीं पर भी आपको मक्खियाँ नहीं मिलेंगी। इतना मीठा होने के बावजूद भी मक्खियाँ नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भगवान की ही कृपा है जिसके कारण इतना मीठा, अगर घर में थोड़ा सा मीठा रखा जाए तो उस पर मक्खियाँ और चींटियाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई भी माहौल नहीं है। इसके साथ ही हमारे साथ एक यहाँ के सेवादार हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कितनी बूंदी प्रसाद तैयार किया गया है, यहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ कर रहे हैं और कितने दिनों से कर रहे हैं। ये पिछले 4 दिनों से लगातार हमारे 25 हलवाइयों की टीम और लगभग 100-125 के आसपास हेल्परों की टीम लगी हुई है दिन और रात सतगुरुदेव जी बंदी छोड़ की तया से। और यहाँ गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस के उपलक्ष्य में ये बहुत बड़ा भंडारा सतगुरुदेव जी द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ जो बूंदी प्रसाद आपने तैयार किया है उसमें कितना घी का यूज़ किया गया आपका? अभी तक देखिए हमारे पास लगभग 10 टन के आसपास ये बूंदीराम जो है तैयार किया जा चुका है। इससे पहले भी जो पहले समागम हुआ था उसमें 20 टन लगभग तैयार किया गया था प्रसाद संगत के लिए। तो घी कितना प्रयोग हुआ इसमें? इसमें घी देखिए जी लगभग 250 टीन के आसपास के लगा है, और इसके बाद में हमारे पास जैसे चीनी राम है उसके भी 50 क्विंटल के आसपास वो चीनी राम की सेवा हो चुकी है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई कि यहाँ पर एक 10 टन बहुत बड़ी मात्रा होती है, कहना आसान है लेकिन 10 टन बूंदी का प्रसाद तैयार करना उतना ही मुश्किल है, उतना ही टाइम लगता है, लेकिन ये चार दिन से लगातार जज्बे के साथ इस सेवा को ये लोग कर रहे हैं। हम एक जगह पहुँचे हैं जहाँ पर एक ये बैनर लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है सोशल मीडिया सेवा कैंप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टम्बलर, कूप, इंटरेस्ट के माध्यम से पूरे विश्व में मालिक के ज्ञान का प्रचार किया जा रहा है। इसके साथ ही ये कक्ष बनाया गया है जहाँ पर युवा और बुजुर्ग सभी तरह के लोग बैठे हैं मोबाइलों को हाथ में लेकर, और ये कुछ लोग इनको सिखाने वाले हैं और कुछ लोग सीखने वाले हैं। इनको सभी तरह के सोशल मीडिया चैनल्स के बारे में सिखाया जा रहा है, इनको सेवा बताई जा रही है कि किस तरह से इन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में पहुँचाना है। इसमें माताएँ बहनें भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं, इसमें माताएँ बहनें आप देख सकते हैं बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं, और ये काफ़ी अधिक संख्या में लोग यहाँ बैठे हैं जो कि मोबाइलों में अपने ज्ञान के प्रचार को, संत रामपाल जी के ज्ञान के प्रचार को फैलाने के लिए सीख रहे हैं। यहाँ हमारे साथ एक भगत हैं, सेवादार हैं, आइए उनसे जानते हैं। तो सर यहाँ जो लोग बैठे हैं इनको आप क्या क्या सिखा रहे हैं? इनको जी हम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं हमारे, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इस तरह के इंस्टाग्राम है, शेयर चैट है, उन प्लेटफॉर्म को उन पे कैसे आपको सेवा करनी है, कैसे उनको यूज़ करना है, कैसे चलाना है, उनको बेसिक लेवल से लेके आखिर तक वो सिखाते हैं हम अपने मोबाइल पे उनको, उन एप्लीकेशन को आप कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनको ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना सिखा रहे हैं ताकि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान प्रचार को विश्व के प्लेटफॉर्म तक, पूरे विश्व के पटल तक पहुँचाया जा सके। अब यहाँ जो ये आप देख रहे हैं ये लोग खाना खा रहे हैं, ये भंडार घर है, यहाँ पर भंडारा चल रहा है, जो आए हुए लोग हैं उनको फ्री में खाना खिलाया जा रहा है, चावल, कढ़ी, सलाद, रोटी, पानी, बूंदी, ये सभी इन पकवानों को यहाँ पर खाने में सबको दिया जा रहा है, ये फ्री में भंडारा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर किसी भी तरह की ऊंच नीच की, जाति पात का या अमीर गरीब का किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं रखा जाता है, सभी लोग एक ही जगह पर बैठकर खाना खा रहे हैं। यहाँ पर ये बहनें और माताएं बैठी हैं, उसके दूसरी तरफ एक तार लगी है, उन तारों के दूसरी तरफ आप देखेंगे तो भाई जो हैं वो खाना खा रहे हैं, और एक साइड में आप देखेंगे यहाँ पर इनको रखा गया है बड़े बड़े पतीलों में, और बड़े बड़े जो स्टोरेज प्लेस है वहाँ पर खाने को रखा गया है और बाल्टियों में इनको बांटा जा रहा है, और सेवादार अलग अलग जगहों से आए हुए हैं वो इस सेवा को पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा, कैमरामैन को कहूंगा, दूसरी तरफ एक टेंट में लोग बैठे हैं, ये जो लोग हैं
वो लोग इस सेवा को करने के लिए आए हुए हैं, वो लोग इस सेवा को कर रहे हैं। जैसे ही कुछ लोग थकते हैं वो लोग वहाँ जाकर आराम कर लेते हैं, और जो वहाँ बैठे हैं वो लोग यहाँ आकर अपने अपने वॉलेंटरली मतलब कि ये बिल्कुल फ्री में सेवा कर रहे हैं, अपना पुण्य का काम समझकर इस काम को कर रहे हैं। और सच में ये कहा भी जाता है कि भूखों को खाना खिलाना इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। जो खाना खाने का स्थान है उसके सामने ही हमने एक कक्ष देखा, एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है फर्स्ट एड के लिए यहाँ संपर्क करें। मतलब कि यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए भी दवाइयों की निशुल्क व्यवस्था की गई है। अगर किसी तरह की कोई परेशानी किसी को होती है तो उसके लिए दवाइयों की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जो यहाँ पर ये तख्त रखे हुए हैं आप देखिए, इनके ऊपर ये जो पतीले रखे हुए हैं इनमें हलवा प्रसाद, शुद्ध देसी घी का हलवा प्रसाद रखा गया है जो कि यहाँ आने वाली संगत को वितरित किया जाता है। तीनों दिन ये लगातार शुद्ध देसी घी का ये हलवा प्रसाद तैयार किए हुआ सबको दिया जाता है। ये कक्ष है जहाँ पर दरबार साहिब बनाया गया है, इसमें संत गरीबदास जी महाराज जी के सतग्रंथ साहिब को पढ़ा जा रहा है। सतग्रंथ साहिब की वाणी को 48 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ पर भाई लोग जो हैं 48 घंटे में इस वाणी को पढ़ते हैं। हर आधे या एक घंटे की सेवा यहाँ पर लगाई जाती है और लगातार इसको पढ़ा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये सतग्रंथ साहिब की वाणी को यहाँ लगातार पढ़ा जा रहा है, और 48 घंटे में इस वाणी को पूरी तरह से पढ़ लिया जाएगा। आपने देखा था दूसरी तरफ जो था वो भगत भाइयों का दरबार साहिब तैयार किया गया था। उसके बाद एक कक्ष तैयार किया गया है जो माताओं बहनों के लिए दरबार साहिब तैयार किया गया है। इसमें भी संत गरीबदास जी महाराज जी के सतग्रंथ साहिब की वाणी को 48 घंटों में उसी तरह ही पढ़ा जा रहा है जैसे कि भगत भाई दूसरी तरफ पढ़ रहे हैं। इसको 48 घंटों में पूरी तरह से पढ़ लिया जाएगा। यहाँ पर भी माताएँ बहनें आधे एक घंटे के लिए सेवा में बैठती हैं, और उसके साथ ही यहाँ पर एक गेट तैयार किया गया है आप देखें, जहाँ पर कुछ माताएं बहनें खड़ी रहती हैं ताकि किसी भी तरह से कोई बाहरी माता या बहन अंदर एंट्री ना कर सके बिना इनकी परमिशन के, और इस दरबार साहिब में पूरी तरह से स्वच्छता का माहौल रहे। यहाँ कुछ ये बहनें बैठी हैं जो कि इस सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए दरबार साहिब में हर समय बैठी रहती हैं, 24 घंटे यहीं पर ही अवेलेबल रहती हैं।